भंवर, ये वेब सीरीज कल Zee5 पे रिलीज हुई। इसमें आप पाएंगे करणवीर बोहरा, प्रिया बैनर्जी और मिसेस बोहरा को। और ये वेब सीरीज करणवीर बोहरा का डायरेक्शनल डेब्यू भी है। ये एक साइंस फिक्शनल वेब सीरीज है जिसमें 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 12-15 मिनट्स लंबा है। हे गाइस, इट्स प्राची एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि इस वेब सीरीज को शुरू से खत्म लॉकडाउन के पीरियड में ही किया गया था विद मिनिमम कास्ट एंड क्रू एंड जस्ट वन हाउस। लेकिन पर्सनली अगर बताओ तो मुझे ये वेब सीरीज नहीं पसंद आई। प्लॉट की अगर बात करते हैं तो एक मैरिड कपल है, रणवीर एंड कनिका, जो एक बड़े घर में शिफ्ट होते हैं बिकॉज उन्होंने बैंक से 20 करोड़ कैश लूटे होते हैं और उनको अब इसको छुपाना है। तो एक आलीशान घर लेते हैं उसके लिए, जो 20 करोड़ का होता है, डिस्काउंट में 10 करोड़ में उनको मिल जाता है और वहां पे रहने लगते हैं। अब इस घर में आने के बाद उनके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती है। अब एक्चुअली में उनके साथ क्या होता है और इस सिचुएशन से वो लोग कैसे डील करते हैं, ये सब जानने के लिए अगर आपको जानना है तो ये वेब सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, वरना मत देखो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो खाली करणवीर बोहरा का ही परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा इस पूरे वेब सीरीज में। बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट था, ठीक ठाक था पूरे वेब सीरीज का। उसके बाद ये वेब सीरीज में ना टाइम ट्रैवल को खाली मुंह दिखाया है, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। उस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो जो बिल्कुल भी नहीं दिया है। डायरेक्शन की बात करो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसफिट लगती है वेब सीरीज में। इसकी जो कहानी लिखी है वो इतनी कमज़ोर है कि हमको कोई भी किस्म का थ्रिल, कोई भी किस्म का एक्साइटमेंट महसूस होता ही नहीं है पूरी वेब सीरीज देखने में। ये वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले इतना ड्रैग्ड है कि बार बार फॉरवर्ड करने का मन कर रहा था, इंस्पाइट की वेब सीरीज इतनी ज़्यादा छोटी है फिर भी फॉरवर्ड करने का मन कर रहा था। उसके बाद जो कहानी है, जिस कहानी पे, जिस प्लॉट पे ये वेब सीरीज बेस्ड है, ऐसा प्लॉट हम लोग एवरी टाइम देख रहे हैं कि एक मैरिड कपल है, एक घर में जाता है एंड दैट हाउस टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स। उसके बाद जो एंड है वो भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और जो कहानी है, जैसे फर्स्ट एपिसोड से लास्ट एपिसोड तक, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। हर एक जगह पे यू कैन इजीली प्रिडिक्ट व्हाट इज अबाउट टू हैपन, विच इज नॉट गुड। ये वेब सीरीज हवा की तरह आती है और हवा की तरह चली जाती है। ना कैरेक्टर्स में डेप्थ डाला गया है, ना टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है या बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो थोड़ा सुपरनैचुरल एलिमेंट भी डालने की कोशिश की है बट वो भी मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा। स्क्रीन प्ले बहुत ड्रैग लगता है, कहानी में हमारा इंटरेस्ट नहीं बना रहता और जो क्लाइमैक्स है दैट वाज लाइक सो प्रिडिक्टेबल एंड सो नॉट, आई वाज नॉट कन्विंस्ड। आई वाज लाइक नहीं यार, ये तो नहीं होना चाहिए था। सो दैट्स इट, ये मेरे थॉट्स है ये वेब सीरीज के बारे में। तो अगर आपको देखनी है एट योर ओन रिस्क तो आप देखो और मुझे उसके बाद बताना आपको कैसी लगी, और ऑलरेडी देख ली है फिर भी बताना कैसी लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।